स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम फैंटेसी में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो सुपर स्मैश T20 लीग का अगला मुकाबला खेला जाएगा सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट वर्सेस नॉर्दर्न नाइट्स के बीच, दोस्तों इसकी और इसके रिलेटेड न्यूज़ की और ड्रीम इलेवन टीम की दोस्तों बात की जाए दोनों ही टीम्स के अभी तक की परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पर दोनों ही टीमों ने अभी तक 4 और 5 मुकाबले खेले हैं। वहाँ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने जो है अभी तक 4 मुकाबले खेले हैं और 2 मुकाबले इन्होंने हारे हैं, 2 मुकाबले इन्होंने जीते हैं और ये पॉइंट्स टेबल में 5वें नंबर पे हैं। वहीं बात की जाए नॉर्दर्न नाइट्स की तो दोस्तों इन्होंने अभी तक 5 मुकाबले खेले हैं और 3 उसमें से जीते हैं और 2 हारे हैं, तो उस वजह से ये जो है 4 नंबर पर अभी तक पॉइंट्स टेबल में है। दोस्तों यहाँ पे दोनों ही टीम्स की फॉर्म की बात हो गई, अभी यहाँ पे पिच रिपोर्ट की बात करते हैं। तो पिच जो दोस्तों यहाँ पे अभी तक इस साल में कोई भी मुकाबला जो भी इस लीग का मुकाबला नहीं खेला गया, ये पहला मुकाबला यहाँ के पिच पे खेला जा रहा है। लेकिन पिछले साल यहाँ पे टोटल 5 मैचेस हुए थे जिसमें से जो बैटिंग टीम जो पहली बैटिंग करने वाली टीम थी उसने बहुत ही अच्छा स्कोर किया था, 200 प्लस का यहाँ पे स्कोर रहा 2 मैचेस में, 190-180 प्लस का स्कोर और 2 मैचेस में रहा था। तो दोस्तों बहुत ही हाई स्कोरिंग ग्राउंड है उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर, और अगर बॉलर्स को हेल्प करने की बात की जाए तो यहाँ पर थोड़ा स्विंग बॉलर्स को हेल्प मिलती है। तो दोस्तों क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है और स्मॉल लीग्स में आप क्या कॉम्बिनेशन बिठा सकते हैं जो कि आपके लिए विनिंग हो, दोस्तों यहाँ पे मैं आपको शो कर दूंगा। और साथ ही साथ जो भी स्क्वाड्स और प्रोबेबल प्लेइंग इलेवेंस है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो वहाँ से आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको सीधा ड्रीम इलेवन की टीम की तरफ ले चलता हूँ। यहाँ मैंने 2 टीम बनाई है जो कि T1 मैंने यहाँ पे प्रेफर किया है स्मॉल लीग्स के लिए और T2 भी मैंने स्मॉल लीग्स के लिए ही बनाया है। लेकिन दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं इस मैच में थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं स्क्वाड में, तो दोस्तों यहाँ पे बैकअप एक टीम चाहिए थी जो कि इन दोनों बिलो एवरेज टीम है, कौन प्लेयर परफॉर्म कर जाए पता नहीं था, तो इसलिए मैंने एक टीम बैकअप के लिए बनाई है और एक जो टीम मैंने बनाई है। तो चलिए मैं आपको पहले T1 शो कर दूँ। तो यहाँ विकेट कीपर की बात की जाए तो हमने यहाँ पे टीम सेफर्ट को रखा है जो कि दोस्तों ओपन करेंगे, बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, रिसेंट में बहुत ही अच्छे टच में लग रहे हैं, तो इसीलिए हमने इनको रखा है। और जो हमारी बैकअप टीम है उसमें हमने यहाँ पे डेन क्लीवर को इंक्लूड किया है, लेकिन अभी जो हमारी मेन टीम है उसमें हमने यहाँ पे टीम सेफर्ट को लिया है। चलिए बैटिंग की बात करते हैं तो बैटिंग में दोस्तों हमने यहाँ पे डेन ब्रोलिन को रखा जो कि कैप्टन होंगे नॉर्दर्न नाइट्स के, और जैसे राइडर जो कि दोस्तों 1 डाउन आएंगे या ओपन करेंगे, ओपन ही कर रहे हैं लेकिन 1 डाउन आने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो दोस्तों इनको हमने इंक्लूड किया है। और यहाँ पर हमने जो थर्ड बैट्समैन इंक्लूड किया है विल यंग जो कि होंगे कैप्टन सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के, तो इनको हमने 1 डाउन बैटिंग करने आएंगे तो इनको हमने इंक्लूड किया है जो कि रिसेंट में ही अच्छा परफॉर्मेंस गया था। तो दोस्तों यहाँ पे रिसेंट में दोनों ही टीमों ने ये पहला मुकाबला पिछला मुकाबला खेला है और उसमें सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट जो है 49 रन से विन किया था। तो दोस्तों यहाँ पे इस मैच में भी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट को हम बैक कर रहे हैं जीतने के लिए, हो सकता है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की जो है नॉर्दर्न नाइट्स को हरा दे। तो यहाँ पर हमने जो फोर्थ बैट्समैन खेला है वो दोस्तों जॉर्ज क्लार्कसन जो कि 5वें नंबर पर बैटिंग करने आएंगे और थोड़ी बहुत जो बैटिंग में मिडल ऑर्डर में कमी रहती है वो इनकी तरफ से कंप्लीट हो रही है, जैसे कि पिछले 2 मुकाबलों में इन्होंने 20+25 ऐसे कुछ पॉइंट्स बनाए जो रन बनाए हैं। तो दोस्तों बहुत ही अच्छे पिक रहेंगे आपके लिए। आप अगर यहाँ पे और सेफ जाना चाहते हैं तो 8 पॉइंट बेन स्मिथ के साथ जा सकते हैं जो कि ओपन करेंगे, तो इनको आप रख सकते हैं। या आप यहाँ पर क्रेडिट मैनेज करते हैं तो टॉम ब्रूस को ले सकते हैं, डैनियल फ्लिन का ऑप्शन है, तो इनको इन सबको जो है आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। चलिए ऑलराउंडर की बात करते हैं, दोस्तों यहाँ पे जॉर्ज वर्कर जो है स्क्वाड में अवेलेबल हैं जो कि नेशनल ड्यूटीज से लौट चुके हैं, तो ये खेलेंगे अगला मुकाबला, तो इनको हमने इंक्लूड किया है। और यहाँ पे एंटन डेवकिक को हमने इंक्लूड किया है और डैरिल मिचेल जो कि ओपन करेंगे तो इनको हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है। दोस्तों डैरिल मिचेल की बात की जाए तो पिछले मैच में बॉलिंग में बहुत ही इनका ख़राब प्रदर्शन गया, लेकिन ओपन करें और ओपनिंग में भी ज़्यादा कुछ रन बनाए नहीं इन्होंने फिर भी, लेकिन दोस्तों अच्छे ऑप्शन है तो इनको हमने इंक्लूड किया है। आपके पास जो ऑप्शन बचा रहेगा वो रहेंगे क्रिश्चियन लेपर्ड, तो इनको आप ज़रूर ले सकते हैं, क्रिश्चियन लेपर्ड का आपके पास ऑप्शन रहेगा जो कि बॉलिंग बहुत ही कम मतलब ना के बराबर ये बॉलिंग करते हैं और बैटिंग में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर लेते हैं, तो इनको आप रख सकते हैं। चलिए बॉलिंग की बात करते हैं तो बॉलिंग में दोस्तों यहाँ पे हमने क्रिस जॉर्डन को रखा है, आप यहाँ पे ब्रेंट एर्नेल के साथ जा सकते हैं, दोनों में से किसी एक को मैं प्रेफर करूँगा, दोनों में से आप जिसको प्रेफर करते हैं उनको रख सकते हैं। मैं यहाँ पे क्रिस जॉर्डन के साथ जा रहा हूँ, आप चाहें तो ब्रेंट एर्नेल के साथ जा सकते हैं, दोनों ही इक्वली जज हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमने सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की तरफ से ब्लेयर टिकनर को खिलाया है, आप यहाँ पे ब्रेट हैम्पटन को ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों ब्रेट हैम्पटन का मैं अच्छा ऑप्शन नहीं कहूँगा, ब्लेयर टिकनर अच्छा ऑप्शन है, आप इनको रखिए टीम में।
उसमें यहाँ पे हमने जो थर्ड बॉलर खेला है वो है अजाज पटेल। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन रहेगा बेवान स्मॉल का, आप इनको भी इंक्लूड कर सकते हैं अपनी टीम में, और जो वालकर का भी ऑप्शन रहेगा आप इनको भी इनके जगह इंक्लूड कर सकते हैं, या तो आपके पास यहाँ पे रैन मैकोन का भी ऑप्शन रहेगा, आप इनको भी ज़रूर जो है अजाज पटेल की जगह इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन पिछले मैच में अजाज पटेल ने 2 विकेट लिए थे तो उस हिसाब से हमने यहाँ पर इनको इंक्लूड किया है, और ब्लेयर टिकनर ने 4 विकेट लिए थे पिछले मैच में तो इनको भी अच्छे बॉलर हैं तो इनको इंक्लूड किया, और क्रिस जॉर्डन ने पिछले मुकाबले में विकेट नहीं लिए लेकिन फिर भी रन बनाए थे, 29 रन इन्होंने बनाए थे 8 नंबर पे आते हुए और अच्छी खासी स्ट्राइक रेट से बनाए, तो दोस्तों उस हिसाब से थोड़ी बहुत बल्लेबाजी भी कर सकते हैं और साथ ही साथ अच्छे विकेट्स में भी हाथ बटा लेते हैं, तो दोस्तों हो सकता है अच्छा परफॉर्म करे, तो इसलिए हमने इंक्लूड किया है। तो चलिए यहाँ कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात की जाए तो यहाँ पे कैप्टन हमने एंटन डेवकिक को बनाया और वाइस कैप्टन के लिए हम यहाँ पे जॉर्ज ब्रोलिन के साथ जा रहे हैं। आप यहाँ पे जाना चाहते हैं तो और भी सेफ, आप यहाँ पे डीन ब्रोलिन के साथ जा सकते हैं, जैसी राइडर के साथ जा सकते हैं, या तो आप यहाँ डेरिल मिचल के साथ जा सकते हैं, कैप्टन या वाइस कैप्टन इनके साथ जा सकते हैं। आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा आप यहाँ पे विल यंग या तो टीम सेफर्ड के साथ जाएं तो बहुत ही अच्छे ऑप्शन रहेंगे, दोनों को आप बना सकते हैं। आप अगर एंटन डेवकिक या जॉर्ज ब्रोकर में से किसी को एक यहाँ पे कैप्टन या वाइस कैप्टन से हटाते हैं तो चलिए हमारी टीम 1 कंप्लीट है। आप इसका यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हैं, आप यहाँ पे अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे ले सकते हैं। दोस्तों ये रहा टीम 1 और टीम 2 जो है मैं यहाँ पे आपको प्रीव्यू में दिखा देता हूँ। डेन क्लीवर को जैसे कि मैंने कहा इनको इंक्लूड किया है हमने, और यहाँ पे डीन ब्रोलिन हमने लिया है तो ये चेंज हमने किया, ऑलराउंडर में सेम रहेंगे। यहाँ पे हमने ब्रेंट एर्नल को लिया है और मैकोन को लिया है, दोस्तों ये 4 चेंज हमने यहाँ पे इस टीम में किए हैं, और टॉम ब्रूस को हमने इंक्लूड किया है। तो दोस्तों ये 4-5 चेंजेस हमने किए हैं, जो कि ये मैंने कहा जैसे कि बैकअप टीम है तो यहाँ पे मैंने आपको इसमें भी आपको मैं ऑप्शन दे दूँ कैप्टन या वाइस कैप्टन के, तो आप यहाँ पे डेरिल मिचल को कैप्टन या वाइस कैप्टन बना सकते हैं, ब्रेंट एर्नल को बना सकते हैं, तो ये ब्लेयर टिकनर को बना सकते हैं कैप्टन या वाइस कैप्टन बैकअप टीम के लिए, आप इनको ज़रूर जो है कैप्टन या वाइस कैप्टन रख सकते हैं। दोस्तों दोनों टीम मैंने आपको दिखा दी, आपको अगर इन्फॉर्मेशन और टीम पसंद आई हो तो ज़रूर जो है हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ दोस्तों आने वाले वीडियोस के लिए आप बेल आइकन को एनेबल कर दें ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर और भी कोई अगर सवाल हो तो ज़रूर जो है आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, लिंक होगा वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए हमारा, या तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सवाल कर सकते हैं, हम तुरंत आपको रिप्लाई दे देंगे। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।